तो गैस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास देखिए रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी बुलेट बाइक है, और जैसा कि रियर में बाइक में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, और डिस्क ब्रेक का यहाँ पर देखिए डिस्क ब्रेक का पाइप जो है पाइप यहाँ से कट चुका है। कंपनी ने एक चीज़ चेंज कर दिया है, पाइप जो है ना डिस्क वाला जो पाइप, ये पाइप काफ़ी हार्ड दे दिया है। पहले क्या था कि सॉफ्ट पाइप आता था, सॉफ्ट पाइप जो कटता नहीं था, लेकिन अभी को जो बाइक आ रहा है उसमें देख रहे कंपनी काफ़ी हार्ड पाइप दे दिया। हार्ड पाइप देने की वजह से पाइप जो है देखिए यहाँ पे कट चुका है। कटने का वजह आप लोग को पता नहीं होगा, आपको हम बता रहे थोड़ा, ये पाइप जो है इस हॉल होकर के आया था, पाइप जो है ना वो यहाँ पर दब गया। देखिए यहाँ पर जो पाइप दब गया था, पाइप यहाँ पर डिस्क में फिट रहता है, बट ये पाइप दबने की वजह से क्या हुआ, अचानक पाइप यहाँ से कट गया। होने के बाद पाइप जैसे ही जो ब्रेक का कटा तो क्या रियर वाला ब्रेक जो है फैल हो गया। ब्रेक जैसे ही फैल हुआ, रियर ब्रेक तो लगेगा नहीं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जैसे पाइप कट गया, यहाँ पर डब्बी दिया है ऑयल के लिए, इससे ऑयल पूरा बाहर निकले। जैसे ब्रेक पैडल को दबाते थे तो ये पैडल नीचे चला जा रहा है, क्योंकि ऑयल इसमें रुकता नहीं है, इसके लेकर प्रेशर नहीं बन रहा है। इसके लेकर क्या होता है, पाइप फटने की वजह से बाइक का रियर वाला ब्रेक जो है फेल हो गया। एंड कंपनी ने देखिए जैसे देखिए इस बाइक में फ्रंट में दे दिया है, काफ़ी सॉफ्ट पाइप दिया है। अभी बहुत ऐसे बाइक है जिसमें फ्रंट में भी हार्ड पाइप देता है, इसी तरह से सॉफ्ट पाइप जो है रबर वाला पाइप रियर ब्रेक में भी देना चाहिए। इससे होगा क्या कि पाइप जल्दी कटेगा नहीं। फ्रंट में भी अभी जो BS6 बाइक है उसमें हार्ड पाइप दे देता है। क्या कंपनी है सही क्या गलत, क्या आप लोग हमें एक बार कमेंट में जरूर बताइए, सॉफ्ट वाला पाइप अच्छा है या हार्ड वाला पाइप अच्छा है। सॉफ्ट वाला पाइप तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जर्क में जाने के बाद भी पाइप टूटेगा नहीं, लेकिन इसी की जगह हार्ड वाला पाइप रहेगा तो वैसे फ्रंट से होकर वर्क करेगा, उस टाइम पाइप यहीं से कटेगा, ये 100% फिक्स बात है। इससे पिछले एक वीडियो हम दिखलाए थे जिसमें बुलेट का फ्रंट पाइप यहीं से कट गया था, बट अभी इस बाइक का रियर पाइप कटा है जो कि सॉफ्ट पाइप नहीं था, काफ़ी हार्ड पाइप था, इसके लेकर पाइप यहाँ से कट गया है। और चलिए अभी फटाफट से इस पाइप को हम रिप्लेस करेंगे। पाइप का प्राइस क्या है, इसका पार्ट नंबर क्या, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए रियर वाले डिस्क पाइप को हमने खोल करके बाहर निकाल लिए, और ये पाइप यहाँ से कट गया था जिसके लेकर ब्रेक जो है लग नहीं रहता, बाइक काफ़ी स्पीड था। अब आप सोचिए कि बाइक का अगर पाइप यहाँ कंपनी ने इतना लो क्वालिटी का पाइप दिया है कि थोड़े ही दिन में कट गया पाइप, और ये पाइप काफ़ी हार्ड है, काफ़ी सॉफ्ट वाला दे रहा था, पाइप इतना जल्दी नहीं कटता। बहुत ऐसे बाइक है जिसमें बुलेट का जो है जो डिस्क पाइप काफ़ी ज़्यादा टूटने का प्रॉब्लम मुझे देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी हार्ड पाइप दे दिया कंपनी ने, इसके लेकर पाइप बार बार कट रहा है। एंड इसका प्राइस भी कम नहीं है, इस पाइप का जो आप तो सोचिएगा प्राइस कम है, कम प्राइस नहीं है। लिखा हुआ देख रहे हैं रियर ब्रेक हाउस असेंबल BS4, जिसका पार्ट नंबर ऊपर में मिल रहा है, एंड प्राइस है इसका 3530 रुपया, वो भी 2023 का प्राइस है 3530। अब आप बताइए बिल्कुल ये छोटा सा एक रबर का पाइप है जिसका प्राइस है 3500 रुपया, अगर ये पाइप रबर का दिया रहता तो कितना अच्छा रहता, इतना जल्दी टूटता भी नहीं। देखिए डिस्क पाइप के साथ साथ आपको दो बोल्ट भी मिल रहा है, जो कि एक बोल्ट आपको फिट हो जाएगा मास्टर सिलेंडर के पास, और एक बोल्ट आपको फिट हो जाएगा डिस्क कैलिपर के पास। तो चलिए फटाफट इस पाइप को कनेक्टिविटी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपको इस डिस्क का प्रेशर बना करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे बात आ गया, एक तरफ का पाइप तो हमने रियर में डिस्क कैलिपर के पास सेट किया, लेकिन फ्रंट में जो सेटिंग करने के उस टाइम आपको जो डिस्क में दो बोल्ट आया था उसमें एक ही बोल्ट कम है, एक बोल्ट आपको जो है ये वाला फिट करना पड़ा, क्योंकि एक बोल्ट एंड रियर का जो ब्रेक स्विच है वो एक ही साथ अटैच है। देखिए रियर ब्रेक स्विच एंड डिस्क बोल्ट एक ही साथ अटैच है, जो कि यहाँ पे डिस्क जो एक डिस्क मास्टर सिलेंडर है, रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर, इसके साथ ही इसको अटैच करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको फुल असेंबल खोल कर सेट कर लिया, क्योंकि इसको सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रियर डिस्क मास्टर सिलेंडर कुछ इस तरह से हमने सेटिंग कर लिया, जिसमें ये जो ब्रेक स्विच वाला बोल्ट है स्विच के साथ ही ये बोल्ट काम कर रहा है, इस तरह से कुछ हम सेटिंग कर ले। चलिए हम फटाफट इसमें डीजल डाल करके इसको प्रेशर जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंप्रेसर बनाएंगे उसके बाद ही रियर डिस्क वर्क करेगा। सबसे पहले तो इस पाइप से फुल असेंबल एयर बाहर निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए रियर वाले डिस्क का काम मेरा कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, जिस ऑयल वाले डब्बी है इस डब्बी में हम ऑयल भरेंगे, एंड रियर जो डिस्क कैलिपर है यहाँ का ये बोल्ट जो हम थोड़ा ढीला रखें, ताकि ऊपर में जो हम डिस्क ऑयल डालेंगे वो यहाँ से बाहर निकलेगा, और पाइप में जो भी एयर होगा वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए डिस्क ऑयल डाल रहे थोड़ा, ब्रेक ऑयल डाल दिए थोड़ा थोड़ा, क्या ऑयल ऑटोमेटिक कम रहा है, कमते कमते ऑटोमेटिक कम जाएगा, फिर वो
वहां तक आयल प्रॉपर पीछे तक चला जाएगा। फिर उसके बाद हम बोल्ट को आप जो देख रहे हैं बोल्ट टाइट करके हम कंप्रेसर को बहुत जल्द टाइट कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आयल कम रहा है एंड आपको रियर में थोड़ा दिख रहा है, रियर में यहाँ पे ऑटोमेटिक आयल आ रहा है। इसी तरह से जब यहाँ पे आयल आ जाए फिर उस टाइम इस बोल्ट को टाइट करके जिस तरह से हम डिश से एयर बाहर निकालते हैं उसी तरह से हम डिश से एयर बाहर निकाल लेंगे एंड हमारा ब्रेक पैडल जो है भरपूर टाइट हो जाएगा। फिर जो व्हील को आप रन करके जैसे ब्रेक पैडल को दबाए तो व्हील हमारा लॉक होने लगेगा। तो फ्रेंड देखिए रियर डिश में हम आयल भरपूर डाल दिए एंड ब्रेक पैडल आप देखिए मेरा प्रॉपर हार्ड हो गया। अब आपको हम इस कैप को सेटिंग कर लेते हैं एंड आपको व्हील को आपको रन करके दिखला रहा है कि ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। पैडल दबाइए, देखिए ब्रेक पैडल जैसे दबाया डिश जो है लॉक हो गया। छोड़िए दबाइए, देखिए ब्रेक हमारा जो प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपके बाइक का डिस्क पाइप फट चुका है यहाँ से तो आप इस तरह से प्रॉपर रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आपको एक चीज़ और बताना, आपको कमेंट करके जरूर बताना कि डिस्क पाइप का क्वालिटी कैसा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कंपनी को, देख रहे कितना दोगा में यहाँ पे पाइप का कनेक्टिविटी दिया। जब भी पंचर वाले भाई के पास बाइक ओपन करता है उस टाइम तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है पंचर बनाने में एंड इस पाइप का सेटिंग भी बिल्कुल गलत तरीका से दिया है कम है, जो कि बिल्कुल ये गलत लग रहा है देखने में एंड पाइप भी काफ़ी बार बार फट जाता है। जो पाइप फटता है वो यहीं से फटता है।